नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किंग जोंग उन को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है। देश की न्यूज एजेंसी KCNS की तरफ से बुधवार को बताया गया कि तानाशाह ने देश में कोरोना वायरस और एक तूफान से बचने के लिए आदेश दिए हैं। यह खबर ऐसे समय में आई है जब पिछले दिनों कहा गया कि किंग जोंग उनकी मौत हो गई है या फिर वह कोमा में है और अब उनकी बहन किंग यून जोंग ही सारा कामकाज संभाल रही है। KCN की तरफ से बताया गया कि वर्क पार्टी की पोलित ब्यूरो की एक मीटिंग महामारी के बीच हुई है। इस मीटिंग में ही नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था पर महामारी की वजह से पड़े अतिरिक्त दबाव को लेकर बात हुई है। इसके अलावा हाल ही में बॉर्डर को बंद करने और बाढ़ की वजह से हुए नुकसान पर भी चर्चा की गई है। एजेंसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वायरस की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन यह भी कहा गया है कि जो भी उपाय महामारी को रोकने के लिए किया जाए उसमें कुछ कमियां थी। नॉर्थ कोरिया की तरफ से अभी तक कोरोना वायरस के किसी भी केस की जानकारी नहीं दी गई है, मगर किंग जोंग उन ने कहा है कि वायरस पिछले माह देश में दाखिल हो चुका है। इसके बाद एक व्यक्ति में लक्षण देखे गए थे और देश में लॉकडाउन लगाया गया था। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि जिस व्यक्ति में वायरस के लक्षण मिले थे वह अनिश्चित थे। किंग जोंग उन ने इस माह ही देश में 3 हफ्ते के लॉकडाउन को कायशोग में खत्म करने का आदेश दिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे भी देश दुनिया की खबर के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज के साथ। धन्यवाद।